भैया। हाँ जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो भैया। बात यह है कि आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं अदरवाइज या दिस वाइज या दैट वाइज, आप बोलो ना, क्या बात क्या लेगा। बात भैया यह है कि आप घर का कुछ जो काम है वो भाभी से भी कहा करिए। क्या कहना चाहते हो? अर्पित, क्या कहना चाहते हो वो बोलो। बात साफ बोलो। साफ यह है कि मैं इधर कई सालों से देख रहा हूं। कितने सालों से? 2 साल से। क्या देख रहे हो? कि आप घर का सारा काम मेरी बीवी से कराते हैं और बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि वो रात दिन घर के सारे कामकाज किया करती है। और आपकी मतलब मेरी भाभी हमेशा कमरे में रहती। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को कितने बरस हो गए? 4 बरस। भाभी की शादी को कितने बरस हो गए? उससे क्या है भैया? पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे का क्या हिसाब किताब है, फिर मैं आंखों देखा हाल बताऊंगा तुमको। 20 बरस। 20 बरस। 20 में से 4 गंवा दो तो कितने बाकी रहे? 16 बरस। घर का सारा कामकाज तुम्हारा, मेरा, चौका, बासन, कपड़े धोना, ये जगह साफ करना, ये किसने किया? आपकी बात सही है। अर्पित, केवल उतना ही जवाब दोगे तो अच्छा रहेगा। ये किसने किया? भाभी ने किया। तब तो ध्यान में नहीं आया कि भाभी सारा काम करती है तो मैं भी हाथ बटा दूं, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे थे जी। ठीक है। और मैं दिन रात लग के अपने बिजनेस में से 2 पैसे कमा के घर ला रहा था जी। हमारी आज तक ये पोजीशन तो नहीं बनी है ना कि हम 1-2 नौकर रख सकें या बर्तन धोने वाली बाई रख सकें, ऐसी पोजीशन तो नहीं बनी। अरे तो पिताजी के बाद आपका फर्ज था, आप उनको इस बार में बार बार क्या? मेरे बार किसका फर्ज बनता है सारा काम करने का? मेरे बार किसका फर्ज बनता है सारा काम करने का? मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया और ना ही मैंने कभी भाभी को फोर्स किया। अच्छा? कि आप मेरे लिए काम करें। हाँ तो और आप भी मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं और ना ही मेरी बीवी को फोर्स कर सकते हैं। ये बात सुन लीजिए आप, आराम से बात करें। इस तरह से बात करते हुए ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तुम्हारा। शांति से बात करो। और मालूम है तुमको कि ऊंचा बोलना मुझे भी आता, मालूम है ना? बोलिए। जब एक इंसान ने 16 बरस मुंह खोले बगैर सारे घर का कामकाज किया तो उसका हक बनता है थोड़े दिन उसको भी आराम की जीवन दिया जाए। अगर तुम्हारी पत्नी काम कर रही है तो सारे घर का कर रही है, केवल वो मेरा तो नहीं कर रही, उसमें तुम्हारा काम भी आ जाता है, उसका उसका अपना भी काम आ जाता है। जब खाना बना दी है तो हम 2 लोगों का एक्स्ट्रा बना दिया है, तुम दोनों का तो बनाना ही पड़ेगा उसको, कि नहीं बनाना? पहले ये इतना बता दो कि वो केवल तुम दोनों का ही बनाए और हम दोनों का ना बनाए। भैया एक बात समझ लो, यदि वो काम कर रही है 2 साल से तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने 16 साल का त्याग दिया है, ये भी चीज ध्यान में रखना चाहिए। उसको जब उसका दर्द सुनते हो तो सामने वाले का दर्द भी उसको समझाओ कि किसी किसी वजह से वो अंदर कमरे में होगी, बिना वजह के नहीं होगी। जिसने इतना काम किया है जीवन में,
अब वो किसी वजह से अंदर होगी। कभी आज तक तुमने ये तो नहीं पूछा कि भाभी अंदर कमरे में क्यों आप रहती है, ये तो नहीं पूछा ना बेटा? नहीं। अब मैं बताता हूं, पहले ये पूछना चाहिए कि भाभी अंदर क्यों है। भाभी को जोड़ों की दर्दें होती हैं, नहीं तो वो हराम की खाने से नहीं है। उसने बहुत काम किया है जीवन में, अब उससे घुटनों के बल नहीं बैठ के ये झाड़ू कटका नहीं हो पाता है, उसके जोड़ों में दर्द होती है। अब डॉक्टर का इलाज तो चल रहा है, लेकिन कोई भी पुड़ी का ऐसी नहीं बनी कि अंदर डालो और ठीक, कि धीरे धीरे होगा। और जिस दिन वो थोड़ा ठीक होगी उसी दिन वो अपना काम करना लग जाएगी। तो कुछ दिन के लिए हम कुछ काम वाली लगा लेना। एक काम करते हैं, काम वाली लगा लेते हैं, लेकिन एक बात सोचो, काम वाली कितना पैसा लेगी? अरे तो भैया मैं क्या करूं, वो दिन भर मेरे से बोला करती है कि मेरा एक काम करते हैं, तुम मैं अपनी पत्नी को पटरानी बना के बिठा देता हूँ, तुम भी अपनी पत्नी को पटरानी बना के बिठा दो, हम दोनों हाथ में कटका और झाड़ू ले लेते हैं, खाना बना लेते हैं, या खाना बाजार से थोड़ा बहुत जहां से भी आता है ला के घर का खाना पीना कर देते हैं। नहीं, आप यही चाहते हैं कि हम मियां बीवी में झगड़ा हो ना? मुझे तो लग रहा नहीं, आप यही चाहते ही हैं कि इतने चार साल से हम लोग खुश क्यों है। आउटलाइन की बात कर रहे हो? आउटलाइन क्या भैया, जब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी या कोई काम वाली लगाइए। हाँ तो लगा लेंगे ना। तो आप क्या पटरानी है और वट पटरानी? तो मैं ठीक तो बोल रहा हूँ तुम्हारी पत्नी के लिए, वटरानी बनाकर अंदर बैठा ले उसको। देखिए आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं नहीं करता, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ। करेंगे आप यार? इस घर में केवल मैं ही ऐसी बात कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। मेरा भी है, तुम्हारा है, तो क्या करना है बताओ। आप बताइए मैं क्या बताऊं? मैंने बता दिया कि मेरी बीवी से आप काम नहीं करा सकते। एक काम करते हैं, जोड़ों में दर्द है तो इलाज कराओ यार, वो उसका दिन भर क्या खून पीते हो? मैं दिन भर उसका खून पी? और नहीं तो क्या? जब वो हम सबका काम कर रही थी 16 बरस, तब तुम्हें खून पीती हुई कोई चीज नजर नहीं आ रही? कह रहा हूं आपने एहसान नहीं किया, और ना मैंने और ना मेरे बीवी ने आपसे कहा, ना मैंने आपसे कहा कि मुझे पालो। मैंने नहीं कहा, आप ने किया, मैंने तो नहीं कहा ना। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार कि मेरी बीवी से ये कर दो, मेरी बीवी वो कर दो? मैंने कभी नहीं कहा आपसे। आपको लगा आपका फर्ज है, मुझको लग रहा है मुझे आजादी चाहिए, बस असली बात है ये। मैं और नहीं, तो ठीक है एक काम करते हैं, ये घर में दीवार पड़ जाएगी, इसको दीवार डालो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा काम उधर, ये मेरी बीवी मेरा घर इधर, ये दो हो गए घर। दुकान में भी दीवार डाल दिया तो जल्दी अभी बोल दो, अभी क्या भी कर लेते। देखिए दो दुकानें बना ले, सुनो दुकानें दो होंगी लेकिन घर एक होगा और वो घर मेरा होगा। क्योंकि उसके बाद पापा जी की दुकान का जितना पैसा था, जितनी चीजें थी, उससे आपको जो कुछ भी लेना था आपने ले लिया, अब इस पूरे घर पे मेरा हिस्सा। घर दोनों का है, नंबर वन घर सिर्फ मेरा, दुकान के दो हिस्से आपका। जाओ फिर कोर्ट में जाओ, घर लेके दिखाओ, तुम घर लेके दिखाओ। अब ये चैलेंज हो गई बात, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कोर्ट में दिखाना, तुम ये घर लेके दिखाओ। चलो जाओ जाओ भैया, समझ लो मैंने समझा है, मैं समझ के यहां पे बैठा हूं, तुम्हारी तरह नहीं। जो एहसान फरामोश 16 साल की किसी की मेहनत के ऊपर थूक दिया आके एक मिनट में, अब जाओ कोर्ट में बात होगी, मैं भी अपना वकील कर लेता हूं, तुम भी ये घर लेके दिखाओ। चलो जाओ अभी, इसके बाद मेरे साथ बात नहीं करना। आई डोंट वांट टू स्पीक विद यू। मैं क्यों जाऊं? आप जाओ कोर्ट में, तुम जाओ, तुमको घर चाहिए ना? मुझे तो पूरा घर नहीं चाहिए, मैं तो आधा तुमको बांट के दे रहा हूं। नहीं आधा क्यों बांट रहे भैया? वो एक और क्या, क्यों बाबूजी के बाद उनका सारा पैसा आपका था, सारी दुकान का जितना फंडा था वो सब आपने लिया। ये किसने बकवास समझाई तुमको? ये क्यों बोला तुमने इस सारा? ये है सिचुएशन में बकवास करते हो आगे से?
अब जाओ, ये खत्म हो गई बात।